आपकी आज्ञा हो तो आपके चरणों में गुलाल भेंट कर सकता हूं। अवश्य नंदी, क्यों नहीं कर सकते। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। धन्य हो गया मैं प्रभु, धन्य हो गया। आज कैलाश पर सब प्रसन्न है, आनंदित है, इसीलिए मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। कैलाश में शिव शंभु संग होगी होरी, शिव शंभु संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभु संग होगी होरी। प्रणाम देवराज। देवगण, देवियों, आप सभी को आने में इतना विलंब क्यों हुआ? आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे हम सभी कब से। प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, ऐसा ही समझ लीजिए कि हमारे मार्ग में कोई कठिनाई आ गई थी, किंतु हम यहाँ पहुंच ही गए और हम सब कुशल हैं। अब तो वसंतोत्सव है और उसका आनंद है, और हम सभी होली खेलने के लिए उत्साहित हैं। इसलिए ये सब छोड़िए, होली है, रंगोत्सव का आनंद लेते हैं। देवगण, देवगण, रुक जाइए, रुक जाइए, मैं भी आ गया। महादेव और माता पार्वती से भेंट करने की बहुत इच्छा हो रही है। संत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। संत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। गाय मधुर मलहार, कैलाश में आज होरी रे। गाय मधुर मलहार, कैलाश में आज होरी रे। शिव गौरी संग होरी रे, कैलाश में आज धूम मची रे। गणेश कार्तिक आज मगन रे, हर्षित इंद्र और देवता गण रे। गणेश कार्तिक आज मगन रे, हर्षित इंद्र और देवता गण रे। शिव गौरी संग होरी रे, कैलाश में आज धूम मची रे। शिव गौरी संग होरी रे, कैलाश में आज धूम मची। बसंत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज गिरे धरा। फाल्गुन मंगल क्षण रे, शिव संग गौरी आनंदी भोर रे। फाल्गुन मंगल क्षण रे,
वसंत उत्सव का प्रभाव तो तुम पर भी दिख रहा है उमा। तुम्हें आनंदित देख मैं भी आनंदित हूँ। आइए ना मामा जी, चलिए हमारे साथ आइए। अरे अरे अरे, परंतु कहाँ कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? अरे अरे, चलिए ना मामा जी, अभी आपने हमारे साथ रंगों की क्रीड़ा ही कहाँ की है, चलिए ना। होली की क्रीड़ा? अवश्य इन दोनों ने कोई और योजना बनाई है। हाँ मामा जी, चलिए ना। नारायण, आपके भांजे इतना आग्रह कर रहे हैं तो उनका अनुरोध स्वीकार कर लीजिए ना। बालकों के साथ होली की क्रीड़ा का आनंद ही कुछ और होता है। अच्छा कुबेर देव जी, तो आप ही इन दोनों के साथ होली के रंग से क्रीड़ा क्यों नहीं कर लेते? आप ही क्यों नहीं चले जाते? नारायण, मैं भयभीत नहीं हूँ, होली का अवसर है, थोड़ा रंग ही तो डालेंगे। उनका मन रखने के लिए मेरे जाने की आवश्यकता है तो मैं ही चला जाता हूँ। हाँ हाँ कुबेर देव जी, आप आइए, बहुत आनंद आएगा। कुबेर देव, सावधान रहिए, स्मरण है ना आपको, पूर्व में भी गणेश जी ने बहुत आनंद लिया था आपके साथ। नहीं नहीं, आज तो वसंत उत्सव है, आज तो मात्र रंगों की ही क्रीड़ा करेंगे गणेश जी। देवराज, आज ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आइए गणेश जी, आप दोनों मुझ पर रंग डालेंगे तो मैं भी तो डालूंगा, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा आप दोनों को। गणेश जी, कार्तिकेय जी। अवश्य कुबेर जी, अवश्य। कुबेर देव जी, होली है। क्या हुआ कुबेर देव जी, आप तो इन दोनों के साथ होली का आनंद लेना चाहते थे, ले लिया आनंद। नारायण, अब तो मेरे साथ परिहास मत कीजिए। आप तो बुरा मान गए, अभी तो इन दोनों ने कहा कि बुरा ना मानो होली है। बुरा ना मानो होली है। संत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। संत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। गाय मधुर मलहार, कैलाश में आज हो रही रे। गाय मधुर मलहार, कैलाश में आज हो रही रे। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची रे। संत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। वसंत उत्सव का प्रभाव तो तुम पर भी दिखाई दे रहा है उमा। कैलाश में आज तुम्हें आनंदित देखकर मैं भी अत्यंत हर्षित हूँ। माँ तो ऐसे ही खड़ी है, मैंने तो माँ पर रंग ही नहीं डाला, अभी डालता हूँ, अब आनंद आएगा। ये
ये क्या? माता अपने महाकाली रूप में? पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। उमा, क्या हुआ स्वामी? उमा, वसंत उत्सव की क्रीड़ा मात्र देवियों के साथ करोगी, मेरे साथ नहीं? बस अब मैं कैलाश पहुंचने ही वाला हूं। अब कुछ ही क्षणों के पश्चात मैं महादेव और माता के दर्शन पाकर धन्य हो जाऊंगा। अवश्य करूंगी नाथ, होली की क्रीड़ा तो मैं आपके साथ भी अवश्य करूंगी। मेरा गुलाल स्वीकार कीजिए प्रभु। लीजिए, अब तो मैंने आपके साथ होली की क्रीड़ा कर ली ना प्रभु। उमा, आज तो आज होली के रंगों से रंगा है। अभी हमारी होली कहां संपन्न हुई उमा? तुमने तो हमको गुलाब लगा दिया, हमने तुम्हें कहां लगाया? अभी बारी मेरी है। स्वामी के ऊपर भी वसंत उत्सव का रंग चढ़ ही गया आज। मुझे जाने दो, मुझे महादेव के दर्शन करने हैं। कौन है? ओ, क्षमा करें रिसीवर, महादेव वहां है माता के साथ। उचित है, Thank you.
प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता पार्वती। ऋषि दुर्वासा यहाँ? ऋषि दुर्वासा, पुनः अपमान किया आपने मेरा, अपमान किया आपने मेरा। बस महादेव, बस महादेव, बस अब और सहन नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। प्रत्येक बार कैलाश पर मेरा तिरस्कार ही होता है, अनेक बार प्रणाम करने के बाद भी आपने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। आपका ध्यान तो एक दूसरे पर ही रहा, और माता आप, आपके परम भक्त का इतना ही महत्व है। भगवान तो भक्तों से होते हैं, फिर कैसे भगवान है आप जो अपने भक्तों का सम्मान नहीं करते? आप एक दूसरे में इतने रमे हैं कि आपको अपने आप की, अपने भक्तों की और अपने कर्तव्य की कोई चिंता ही नहीं। यदि ऐसा है तो ऐसा सदा के लिए हो जाए, तो ऐसा सदा के लिए हो जाए, सदा के लिए हो जाए। ये कैसा शाप है ऋषि दुर्वासा ने? इसका क्या परिणाम होगा? क्रोध का ऐसा अंतरिक आपके जैसे तपस्वी को शोभा नहीं देता। नहीं भैया, आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत कहिए। आप अपने क्रोध से ऋषिवर की क्रोध की ज्वाला में और घृत मत डालिए। आप दोनों का परम भक्त हूं मैं, इतने समय से मैं आप दोनों का अभिवादन कर रहा हूं। अपने भक्तों के प्रति आपका यह कैसा अनुचित व्यवहार है महादेव? माता, ऋषि दुर्वासा शांत हो जाइए। नहीं नारायण, आज आप भी नहीं आएंगे एक भक्त और उसके भगवान के मध्य में। अपने आवेश में ऋषिवर मर्यादा की सभी सीमाएं लांग रहे हैं। मामा जी से भी क्रोधपूर्ण संवाद कर रहे हैं वो, ये उचित नहीं है। सत्य है, ऋषिवर का क्रोध अपने चरम पर होता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं कि इस क्रोध का क्या परिणाम होगा। महादेव और माता के श्रेष्ठ भक्तों में से एक हूँ मैं। महादेव और माता का दर्शन मेरा अधिकार है, वही प्राप्त करने आया हूँ। ऋषि दुर्वासा के क्रोध का आवेग तो बढ़ता ही जा रहा है, कहीं ये पुनः महादेव को श्राप देकर कोई बड़ा अनिष्ट ना कर दे। ये कैलाश है, जगत पिता महादेव और जगत जननी माता पार्वती का परम पावन निवास कैलाश, जहाँ आपके भक्त आपके दर्शन हेतु आते हैं, किंतु आपको भक्तों की चिंता ही नहीं। यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते, जहां निर्विघ्न आप एक दूसरे में रमे रह सके? यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते, जहां निर्विघ्न आप एक दूसरे में रमे रह सके? ऋषि दुर्वासा, अपने क्रोध पर नियंत्रण कब पाएंगे आप? बसंत उत्सव के शुभ अवसर पर कैलाश आकर आपने महादेव और मुझे इतना कुछ कह दिया, यहाँ तक कि यहाँ से जाने की बात भी कह दी। आज इस शुभ दिवस पर हम अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करेंगे। ऋषिवर, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही होगा, तो यही नहीं, तो यही नहीं।
द्वेष के आवेग में आकर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया अनुचित है। ये व्यक्ति से बड़ी भूल करवा सकता है।